हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ओके, नाउ मैम इज़ हेयर अगेन। मैम आज फिर से आई है आप सब के लिए एक नया चैप्टर लेके हिंदी का। और आपको पता है आज हम करेंगे भाषा माधुरी बुक से लेसन नंबर 14, पार्ट नंबर 14, होली की खुशियाँ। अब आपको बताने की नीड नहीं है कि होली पे आप सब क्या करते हो। आई नो कि आप सब कलर से खेलते हो, है ना, और पिचकारियाँ फ्रेंड्स के साथ, बहुत सारा कलर्स और बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ, और घर पे आपके बहुत अच्छी अच्छी डिश बनती हैं, है ना, ये सब का आप इंजॉय करते हो ना। तो बस होली की खुशियाँ, वैसे ये चैप्टर है, हम पहले चैप्टर को रीड करेंगे और फिर मैम आपसे पूछेंगी कि आप होली पर करते क्या क्या हो, ठीक है? तो जल्दी से ओपन कीजिए लेसन नंबर 14 भाषा माधुरी बुक से। नाम क्या है? होली की खुशियाँ। तो होली किसका त्यौहार होता है? होली कलर्स का यानी रंगों का त्यौहार होता है। अब उसमें किसी को अच्छा लगेगा अगर आप कोई डल सा कलर उसे लगा दो? नहीं ना, उसमें कितने ब्राइट ब्राइट कलर्स हम एक दूसरे को लगाते हैं, कितना इंजॉय करते हैं, डांस करते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, उनके साथ कलर से खेलते हैं, फिर घर आते हैं, नहाते हैं, फिर अच्छे अच्छे पकवान होते हैं वो हम खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो कितना अच्छा, कितना इंजॉय होता है ना। तो आज हम होली की खुशियाँ, ये जो लेसन है इसमें दिया क्या गया है, इसमें एक दादाजी हैं, जैसे आप सबकी भी ग्रैंडफादर होंगे, और उनके जो ग्रैंड डॉटर है या ग्रैंडसन है उसकी कहानी है। तो चलिए स्टार्ट करें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये तीन बच्चे दिख रहे हैं आपको, ये है अनन्या, जतिन और शोभित, ठीक है? तो प्रस्तुत पाठ में यानी इस लेसन में रंगों के त्योहार यानी होली का वर्णन है, और यह त्योहार आपस के गिले शिकवे, मतलब अगर आपने किसी को हर्ट कर दिया है, आपकी बात उसको चुभ गई है, आपने बोलना छोड़ दिया है, तो इन चीज़ों को भुलाकर क्या होता है, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहने की प्रेरणा देता है, और रहना भी चाहिए, है ना। और वैसे भी जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, त्यौहार होते हैं, अगर उनको हम एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करें तो खुशियाँ हमारी बढ़ जाती है, है ना। अगर आप अकेले अकेले त्यौहार मनाओगे तो कोई भी आपके साथ नहीं खेलेगा होली या कोई भी फेस्टिवल, तो आपको अच्छा लगेगा नहीं ना। और अगर हम सब मिलकर फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। अच्छा ये बताइए, जब आप स्कूल आते हो, अगर हम आपको सिंगल सिंगल ये कह दें कि ये लो अपने अपने कलर्स अपने फेस पे खुद ही लगा लो, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। जब आपके सामने वाला आपका फ्रेंड आपको कलर लगाएगा और आप उसको लगाओगे तो कितना अच्छा लगता है, है ना। और कितनी बार हमने होली का फेस्टिवल स्कूल में भी सेलिब्रेट किया है ना। तो यहाँ पर क्या है, दादाजी रंगों के लिए पैसे दो ना, ये कौन कह रहा है? अब आप सब भी हो, आप सब भी तो अपने ग्रैंडफादर से या ग्रैंडमदर से पैसे मांगते होंगे, है ना, कि आपको चॉकलेट लेनी है, कि आपको किंडर जॉय खाना है या कुछ भी। तो दादाजी रंगों के लिए पैसे दो ना, ये किसने कहा? अनन्या, शोभित और जतिन दादाजी के सामने अपनी जिद पर अड़े रहे थे। जिद मतलब कि ठान ली कि नहीं, लेकर ही रहने हैं पैसे। फिर दादाजी हल्के हल्के मुस्करा रहे थे। पैसों का क्या करोगे, ये किसने पूछा? दादाजी ने पूछा। हम बाजार से रंग और पिचकारी लाएंगे, सबको रंग देंगे, तीनों एक साथ बोले, ये तीनों शोभित, अनन्या और जतिन। उसके बाद तुम सबको क्यों रंगोगे, दादाजी ने चश्मे से झांकते हुए ऐसे करके झांकते हुए पूछा। दादाजी आप हमें परेशान क्यों कर रहे हो, होली पर सभी एक दूसरे को रंग लगाते हैं, रंगते हैं, नाचते गाते हैं, खुशी मनाते हैं, ये किसने कहा? जतिन ने कहा।
उसके बाद दादाजी ने तीनों को यानी जतिन, अनन्या और शोभित तीनों को 50-50 रुपए दिए यानी 50-50 रुपीस दिए और देने के बाद कहा कि रंग लाने के बाद मेरे पास ज़रूर आना। दादाजी की बात पूरी होने से पहले ही तीनों रुपए लेकर रफू चक्कर हो गए। रफू चक्कर मतलब भाग गए। फिर अनन्या, शोभित और जतिन रंग लेकर वापस आए तो बहुत खुश थे। तीनों ने आते ही बाल्टी में रंग घोला और पिचकारी में भरकर एक दूसरे पर डालने लगे। अब दादाजी ने मुस्कराते हुए कहा, रंग खेलने वाली होली तो कल है। होली दो होती है, एक वो होती है जिसमें होली का पूजन होता है ना, और उसका फास्ट भी रखती हैं कई लेडीज़, और एक होली जो होती है वो खेलने वाली होती है। जो खेलने वाली होली होती है उसको फाग कहते हैं। तो दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, रंग खेलने वाली होली तो कल है, उसे फाग कहते हैं। तुम्हारा अभी से यह हाल है तो कल तो तुम भूत बन जाओगे। दादाजी, जब आप बच्चे थे तो क्या आप भी होली खेलते थे? शोभित ने पूछा अपने दादाजी से। तो मैं तो क्या, मेरे दादाजी भी होली खेलते थे। मतलब दादाजी ने उत्तर दिया, आंसर दिया कि मैं तो खेलते ही था, लेकिन शोभित के जो दादाजी थे उसके भी दादाजी भी खेलते थे। तो फिर दादाजी ने उत्तर दिया। उनकी बात सुनकर अनन्या, शोभित और जतिन खिलखिलाकर हंस पड़े, यानी बहुत तेज से हंसने लगे। अब उसके बाद क्या हुआ वो अभी हम आपको बताते हैं। फिर दादाजी ने आगे बताया, हम होली सैकड़ों वर्षों से मनाते आ रहे हैं। इसे फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। जाड़े की विदाई यानी ठंड जाने का टाइम आ जाता है और गर्मी आने का टाइम होता है, यानी कि हम ठंड को, सर्दियों को बाय बाय कहते हैं होली के टाइम पर, और गर्मी का क्या करते हैं, वेलकम करते हैं। लेकिन मैम तो करती नहीं, मैम को तो गर्मी बहुत बेकार लगती है। तो फिर जाड़े की विदाई और ग्रीष्म के आने पर नरम गरम मौसम में हम इस त्यौहार को मनाते हैं। उसके बाद होली के पहले दिन यानी जिस दिन होली हम खेलते हैं, फाग खेलते हैं, उसके पहले दिन संध्या के समय किसी चौराहे पर, चौराहा किसे कहते हैं, जिस तरफ चार सड़कें जाती है, एक उधर भी जा रही है रोड, एक उधर भी जा रही है, एक इधर भी जा रही है और एक इधर भी जा रही है, तो वो जो सेंटर पड़ता है उसे चौराहा कहते हैं। तो होली के पहले दिन संध्या के समय यानी जब शाम होने लगती है, सूरज ढलने लगता है, किसी चौराहे पर लकड़ियाँ इकट्ठी करके उनके इर्द गिर्द यानी आसपास सूत का धागा लपेट दिया जाता है। फिर होली का पूजन किया जाता है। बाद में रात के समय इन लकड़ियों को जलाया जाता है। इसे होलिका दहन कहते हैं। अगले दिन अर्थात फाग वाले दिन, जिस दिन हम कलर्स खेलते हैं, अबीर, गुलाल और दूसरे रंगों से सभी एक दूसरे को रंग देते हैं। दादाजी, जो लोग रंग डालने के लिए आते हैं हम उन्हें मिठाई भी खिलाते हैं, पकोड़े बनाते हैं, बहुत सारे स्नैक्स बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बनाते हैं उस दिन, है ना। कोई गोलगप्पे बनाते हैं, कोई चाट बनाते हैं, तो कितने अलग अलग टाइप की, सबके घर अलग अलग वेराइटीज़ मिलती है। तो जतिन ने कहा, हाँ मिठाई खिलाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे को खूब रंगते हैं, ये दादाजी ने बताया। फिर दादाजी, इस बार हम आपको रंग में डुबो देंगे, आप संभल कर रहना, ये बच्चे कह रहे हैं अपने दादाजी से। अनन्या ने थोड़ा सा गुलाल लिया और दादाजी के माथे पर लगाकर बोली, बुरा न मानो, होली है। फिर तीनों फिर से एक दूसरे पर पिचकारी से रंग डालने लगे। तो अब बताइए कितना अच्छा फेस्टिवल है ना, होली। लेकिन फेस्टिवल्स तो सभी अच्छे हैं, लेकिन अगर हम फेस्टिवल को, त्योहारों को त्योहारों के हिसाब से ही खेलें तो ही अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर हम कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा करते हैं तो वो चीज़ बेकार होती है। मान लीजिए आप होली है, अब आप होली पर एक दूसरे को कलर लगाते हैं, ठीक है,
अगर आप ड्राई यानी कि गुलाल लगा रहे हैं तो इट्स ओके, लेकिन अगर आप वाटर कलर है और उसको आप खूब एक दूसरे के चिक्स पर फेस पर खूब रगड़ रहे हैं तो वो अच्छा लगता है? नहीं, बैड लगता है। और अगर जैसे आप लोग पानी में रंग घोलकर एक दूसरे के ऊपर पिचकारी से डालते हो तो उससे क्या होता है, अगर आप ज़्यादा पानी में खेलोगे तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। ऐसी अब दिवाली है, मान लीजिए दिवाली पर आप पटाखे चलाते हैं, है ना, सब लोग जलाते हैं, लेकिन अगर आप एक्सेस में जलाओगे तो एक तो मनी वेस्ट है और दूसरा क्या होता है, पॉल्यूशन भी होता है। तो फिर गुड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, बैड भी होते हैं, लेकिन हमें गुड की तरफ जाना चाहिए, इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। आप होली को खेलिए लेकिन एज अ फेस्टिवल आराम से, अच्छी मैनर्स के साथ, लेकिन आप उसको बैडली खेल रहे हो, कोई कुछ भी डाल देता है, कई लोग मैंने देखा है एग्स भी फेंकते हैं, टमाटर भी फेंकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे डर्टी डर्टी करते हैं, उस तरीके से नहीं खेलना है, ठीक है। तो अब ये आपका चैप्टर कंप्लीट, एक्सप्लेनेशन कंप्लीट, चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, वो हम अपनी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक आपको घर पर एक बार इस चैप्टर को रीड जरूर करना है, ओके। और क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन के भी आंसर आप घर पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब होली का त्यौहार है तो होली के बारे में सबको पता है, तो इतना तो आप सब कर सकते हैं। बाकी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। सो टेक केयर एंड गुड बाय।